या तीसरी खुराक में आ गई थी, तीसरी खुराक में शुगर लेवल पर आ गई थी, लेवल पर। अच्छा, और कमर की डिस्क की प्रॉब्लम? डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क में भी आराम है फिलहाल तो। बैठने लगे, पहले बैठा कौन? बैठा कौन रहा? अच्छा, देखिए अभी हम बात करेंगे एक बार सुनील गोच के द्वारा। हाँ, कुंगड़ में। और ये अंकल जी को समस्या थी, क्या थी, क्या समस्या थी इनको? इनको शुगर की समस्या थी और थोड़ा लकवा टाइप में जैसे नसों का ब्लॉकेज वगैरह था कुछ। अच्छा, कितने दिन से जी समस्या ही है? ये मान के चलो शुगर की तो काफ़ी टाइम से है और ये लकवा वाली है, इसको तीन चार महीने के आसपास हो गए। इनमें थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत और चलने में दिक्कत थी इनको। अच्छा, वो ठीक होगी समस्या अभी यहाँ आने से फ़र्क है काफ़ी। अभी तो एक हफ्ते की दवाई ली है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, तो उठने बैठने की तो दिक्कत अभी है, लेकिन चलने वाले जो थी पकड़ के चल रहे थे वो ठीक हो गई है, अपने आप चलने लगे। हाँ, चलने अपने आप लगे, एक बार स्टार्टअप देना पड़ता है, उठाना पड़ता है सिर्फ। अच्छा, फिर चलने लगे। बहुत समस्या हल हो गया, आधे तो ठीक हो गए। हाँ, शुगर बताओ? शुगर पहले गोली लेते थे और तो 225 के आसपास रहता था। अच्छा। अब गोली जिस दिन से दवाई ली है उस दिन से बंद है। अच्छा। और मान के चलो आप शुगर 170-180 के आसपास अभी है। हाँ, क्यों हफ्ता का ही है, लेकिन दवाई नहीं ले रहे ना। दवाई ले रहे थे एक गोली सुबह एक गोली शाम को, वो बंद कर दी। तो चलो लेवल में आ गई शुगर भी, लगभग आ जाएगी। टाइम तो देखो लगता ही है थोड़ा देसी उसमें, बाकी गोली ले रहे थे उससे अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, ठीक हो अंकल जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, धन्यवाद। फिलहाल खड़े हम श्री श्याम एक्यूप्रेशर वैद्य सुनील गोयत कुंगड़ गाँव में, जो शुक्रवार को इसार बैठते हैं जिंद्रपुर के पास, शनिवार को गांव कुंगड़ में बैठते हैं, बाबा श्याम का मंदिर भी बनवा रहे हैं। यहां पर कोई फीस नहीं है, सिर्फ कुंगड़ गांव में बाबा श्याम के मंदिर के लिए कोई पर्ची कटवाता है धार्मिक रूप से तो वो कटवा सकता है, शुरू से ही यहां पर फीस नहीं है। और पर्ची मंदिर बन रहा है भाई, पूरा 50 लाख तो लग लिए लगभग, और बहुत विशाल मंदिर निर्माण चल रहा है, आप लोगों की सहायता से बन रहा है वो, और हम भी इसलिए आते हैं कि मंदिर में सहयोग हो जाए, तो यहाँ पर फीस नहीं लेते हैं शुरू से। ये गांव के अंदर कुंगड़ में हिसार में 200 रुपये फीस है, संडे को रोहतक में बैठते हैं वहाँ भी 200 रुपये फीस है, बस स्टैंड से थोड़ा चलते हुडा पार्क के सामने। मंगलवार को बैठते हैं दिल्ली नागलोई पिलर नंबर 414, उसके सामने एक नंबर गली अगरसेन गली के अंदर बैठते हैं नागलोई में दिल्ली में, वहाँ 300 रुपये फीस है। और बुधवार को बैठते हैं सेक्टर 21 रोहिणी जो इनका घर है, वहाँ पर 500 रुपये फीस है, एमरजेंसी देखते हैं सिर्फ वहाँ पर। और बुधवार की छुट्टी होती है, वीरवार गुरुवार एक बुध बृहस्पतिवार छोड़ के एक बृहस्पतिवार को जींद जाट धर्मशाला में बैठते हैं और फिर शुक्रवार को हिसार आ जाते हैं। तो अभी एक अंकल जी सुते पड़े हैं भाई, इनसे बात करा है उरे फिलहाल। राम राम अंकल जी। राम राम भाई साहब। अच्छा ठीक, बैठ जाओगे के? हाँ बैठ जाओगे। अच्छा ले दो, आप पे बैठ जाओ तो दिखा, मेरा पट है। बैठ गया भाई। अच्छा अच्छा, नू बताओ कहाँ से हो आप? बाखड़ा है। बाखड़ा? हाँ जी। आज के समस्या थी, के तकलीफ? मेरे डिस्क प्रॉब्लम से लकवा है। अच्छा, डिस्क प्रॉब्लम लकवा, कितने साल का? शुगर जी। अच्छा, शुगर कितनी रहा कर दी? शुगर तो फुल थी। फुल? हाँ। अच्छा, शुगर ही एकदम खत्म कर दी मैंने। खत्म कर दी? हाँ जी। अच्छा, उरे कितने दिन दवाई ली? दवाई ली जी, मैं पांचवी बार आया। पांचवी बार आया। हाँ जी। शुगर तो शुरू में खत्म होगी? शुगर तो 6 बार में खत्म हो गई जी। अच्छा, शुगर बिल्कुल अब शुगर नॉर्मल रहती है? कंट्रोल सही, सही कंट्रोल है। अच्छा, लकवा में कितना फर्क से है? लकवा तो जी दवाई दी है लकवा की तो। अच्छा अच्छा, कि मैं चलने फिरने लग गया कि मैं हलटने लग गया पहले दिन, किम फर्क है? थोड़ा बहुत से आराम था। अच्छा, डिस्क की प्रॉब्लम है? डिस्क प्रॉब्लम में भी बैठ गया मैं। अच्छा, नहीं तो बैठा कौन जा करता? बैठे कौन? तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, बैठने लग गया तो मतलब मानस तो बने गया। मानस नहीं तो पहले तो अपंग हो रहा था किसी में। तो ठीक से कि वैद्य? ठीक से। ठीक से कह दोगे लोगन? ठीक से खूब कह दो नहीं क्यों? अच्छा, और रुपये कै हज़ार ले? 5-7 हज़ार 10 हज़ार के रुपये? रुपये तो दवाइयाँ पीछे लागे। दवाइयाँ के तो सारे ही ले। या तो कौन कैसा उस तरह कौन लेता है? कौन कहता है 5 हज़ार दे दूँ? दारू के पीछे लिए दिल्ली में है सस्ती दारू के, मैं पी पी मर के लोग मर गए ना। हाँ जी, और सही है। दवाई के पीछे लगेंगे। सही बात है। मरना से दारू पी लो, दारू पी लो मरना। 1000 पेटी नहीं थे, 2-2 पेटी। बहुत बढ़िया अंकल जी। नाम क्या है आपका? नाम रमेश कुमार है जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। वो जल्दी ठीक हो जाओगे? हाँ होएगा, शुगर आपकी बिल्कुल ठीक होगी। तो भाई शुगर की दवाई देते हैं, गारंटी है शुगर की दवाई की, इतनी बढ़िया दवाई है कि 2-3 बार लेने से, 2-3 बार लेने से ही लेवल में आ जाती है शुगर। और फिर मतलब
पांच दिन छोड़की ले लो, फिर दस दिन छोड़की ले लो, इस तरह एक आधी खुराक लेते रहो, तीन महीने में जड़ से खत्म। जिंदगी में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा आपका। बहुत गजब की दवाई बना रखी है। आप भाई इनके सेती हो गए, पहली बार आया आपके सेती। तो ये इनके बेटे हैं भाई, इनसे और पूछ लें तो कितना के फर्क लग गए तने, नु बता। बहुत घना फर्क, बहुत घना फर्क। तो मतलब बुजुर्ग शुगर कितनी रहा है? शुगर 300 प्लस थी, 300 प्लस थी, 400 तक चली जाती, 400 तक थी। अच्छा, ये नॉर्मल लगती है। बेटा एक बार तू साइड आउट। तो ई शुगर लेवल पाएगी? हाँ। अच्छा, मतलब कई खुराक में आ गई थी या तीसरी खुराक में आ गई थी? तीसरी खुराक में शुगर लेवल पाएगी थी, लेवल पे। अच्छा, और कमर की डिस्क की प्रॉब्लम? डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क में भी आराम है फिलहाल। तो बैठने लगे, पहले बैठा कौन? हाँ, बैठा कौन रहा? लकवो में भी चलन टहलने लगे? लकवो में थोड़ी समस्या बस। लकवो में समस्या धीरे धीरे होगी भाई, काफी पुराना लकवा है। फिर दोनों ये झटके आवड़े हैं इसके मेरे ख्याल। हाँ, झटके झटके आवड़े, माइंड से संबंधित झटके आवड़े। तो इसमें थोड़ा समय लगता, हो जाएगा ठीक, बढ़िया। और भाई कोई आया है क्या दूसरी तीसरी बार? पहली बार आए हो आप भी? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बुना से जी। बुना से? हाँ जी। अच्छा, इधर से बना था, तो ये श्यामी गांव लगन लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लकवा है आपको? ना जी। तो जी पेस पर हुआ? जी बी एस के हो भाई? ये नया वायरस आया जी, जैसे ऐसे पहले से वो दिक्कत आती है इसमें जी। नया वायरस आया जी? एक और वायरस आ गया मेरा सोच रहा है, वायरस खा के छोड़ेंगे देश ने। जी बी एस यानी कि या किस बॉडी? जी बी पूरी बॉडी को खत्म कर देता है जी। पूरी बॉडी को खत्म कर देता है? कितने दिन से ये प्रॉब्लम? तीन महीने से जी। तीन महीने से? तो अब इसके हाथ पैर नहीं हिलते? बिल्कुल बिल्कुल हिलते तो हैं, काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते। ऊपर उठते हैं थोड़ा बहुत, बस इतने उठते हैं। अच्छा, पैर पैर हिला के दिखाओ। बस खड़ा नहीं हो जाता भी नहीं जी। नहीं, अपने आप बैठा जाता है। टॉयलेट पेशाब का पता चलता है? हाँ जी, पता चलता है। लेकिन अपने आप खाट के ऊपर बैठ जाते हैं? नहीं जी, नहीं बैठते। तो देखिए भाई, ये नई प्रॉब्लम आई है के जी बी एस, बताओ हो। ये नए नए कीटाणु बेरा कुन कुन, अमेरिका छोड़ है, चीन छोड़ है, जापान छोड़ है, लेकिन भारत पर ही हमला है एक किस्म से। और इनका जो समस्या है, इसका निवारण देखेंगे अगले बार, दिखाऊंगा आपको मैं कितना फर्क पड़ा है। पहली बार आए हैं बुनना तो ही है। तो ये समस्या अब अपने आप अगली बार मेरे ख्याल भगवान ने चाहा तो 25-30% फर्क मिला मिला इनको। अच्छा, आपको पहली बार आएगा? आप भी पहली बार? कहाँ से आए हो? रोहतक से। रोहतक से क्या समस्या है? ये 2 साल हो गए ऊपर लकवा लगा था, ब्रेन का था। अच्छा, मतलब रोहतक में तो बैठे से संडे नहीं है, मेरा कौन था क्या अपना ना? अच्छा, नंबर ना आवे? नंबर को नहीं आवड़े? आड़ा जाओ, चलो कोई ना, घनी दूर कोनी कुंगड़ भी हो सकते हैं। मैं हमने पता लगा पहली बार है। अच्छा, यूपी चौनो बता तलवाल सरपंच ने। अच्छा अच्छा, चलो 2 साल से समस्या है भाई। देखिए, दिमाग का झटका भी आवड़ा है? दिमाग में था ब्रेन का, जब तो यू है बीपी बढ़ गया। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक आया जो वो टीका लगा मेरे, तो उस टाइम वो 24 कला का 26.5 कला आया उन्होंने। जब काय काला को लुवाना पड़ा, मजबूरी है भाई, बस लुवा। लाख का लगाओ तो लाख भी देने पड़े। तो ये कैसा जीवन से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कैसा ऐसा छूट गया था जैसे। अच्छा, अब हाथ उठता नहीं गया ये ना, इतना तो उठा ही। अच्छा, दर्द हो है पैर? अच्छा, चलो देखते हैं। मुट्ठी बंद हो है? मुट्ठी नहीं बंद होती, मुट्ठी बिल्कुल बंद नहीं ना। इस हाथ ना अगर अपने हाथ लंबा करके, हाथ ने आगन करके दिखाओ एक बार। हाँ, हो जाएगी अगले चक्कर में। चा का कप पकड़ाए प्या दें, है ना? बिल्कुल। तो भाई फिलहाल देखिए, वैद्य सुनील घोष जी हमारे पास बैठे हैं, और आप पूछ दे रहे हो कि भाई पीछे की वीडियो थोड़ी सी मेरी जो शुगर वाली, मैं हर बार बताता भी हूँ भाई, शुगर का बहुत रामबाण, बहुत गजब की औषधि तैयार कर रखी इन्होंने, आयुर्वेदिक औषधि है, पेवर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से 2 से 3 खुराकों में शुगर की लेवर। तो राम राम भाई साहब। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी, एक मिनट रुक जाओ जी। तो जी, शुगर की दवाई जो है आप दे रहे हैं, कितने देर में ठीक कर दे रहे, कितने पीछे लो? देखो जी, सब अलग अलग तरीके के हिसाब से है, जितनी जिस हिसाब से मर्जी उस हिसाब से ले लो, 10 दिन की, 15 दिन की। अच्छा, हाँ, महीने की ये देखो 3-4 महीने तो लगातार खानी पड़ेगी, फिर उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के, नहीं 1 दिन छोड़ के ऐसे खुराक, और हो सकता है कि 15 दिन में ठीक हो जाए भाई, महीना भी लग जाए, साल भर भी लग जाए, दवाई जरूर छूटेगी। अच्छा ठीक, शुगर खत्म, मतलब शुगर लेवल पर रहेगी? शुगर लेवल पर भी होगी, अरे अगर आदमी की दिनचर्या सही है तो
पक्की खत्म होगी, इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, चेक करवा देंगे, टेस्ट देवांगे, उसमें चेक करवा ले, फिर लास्ट में करवा ले, कोई दिक्कत जी। धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है जी, जी शुक्रिया, ठीक है जी।